हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीईटी पार्ट टू स्टैटिक जीके। दोस्तों, जो पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे कि विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। किसे? क्यूबा को। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, जो यूएसए की राजधानी है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों, कूका आंदोलन जो है वह गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? दोस्तों, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? किस सभा की? आत्मीय सभा की। दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो दोस्तों, युगदूत कहने वाले व्यक्ति जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने ही राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? दोस्तों, 1945 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों, जापान में हिरोशिमा तथा नागासाकी में 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। कहाँ पर? हिरोशिमा तथा नागासाकी। कब गिराया गया था?
6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था। दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।